नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। इस साल धनतेरस का त्योहार 2 नवंबर को यानी कि मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि इस दिन खरीदारी करने से घर में सुख समृद्धि आती है। धनतेरस को लेकर धार्मिक मान्यता यह है कि भगवान धन्वंतरी का अवतरण इसी दिन हुआ था। तब से उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। इस दिन को यानी कि धनतेरस को धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती मनाया जाता है। एक मान्यता यह भी है कि धन त्रयोदशी के दिन देवी लक्ष्मी धन के देवता कुबेर के साथ समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। धनतेरस के दिन सोना या चांदी जैसी कीमती धातु खरीदना भी घर में देवी लक्ष्मी का स्वागत करने के संकेत के रूप में माना जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं राशियों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदारी करेंगे तो यह आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आएगा। आइए जानते हैं जातकों को राशि के अनुसार क्या खरीदारी करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को धनतेरस पर चांदी के बर्तन खरीदने चाहिए, यह उनके लिए काफी लाभकारी होगा। कहा जाता है कि चांदी खरीदने से भगवान कुबेर खुश होते हैं और उनके धन में अपार वृद्धि की संभावना होती है। यह दिन मेष राशि के जातकों के लिए काफी शुभ होगा। अब हम बात वृष राशि की करेंगे। वृष राशि के जातकों को धनतेरस के दिन चांदी की वस्तु या आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। बता दें कि वृष राशि का स्वामी शुक्र है, जो सुख संपन्नता और वैभव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वृष राशि वालों को अपने धन में वृद्धि करने के लिए चांदी की वस्तु खरीदना बड़ी ही शुभ रहेगी। नया वाहन खरीदना भी फलदायी होगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जातकों को सोने के आभूषण खरीदने चाहिए, साथ ही हरे रंग का घरेलू सामान खरीदना उनके लिए लाभदायक होता है। माना तो यह भी जाता है कि आभूषण खरीदने से घर में धन संपदा बनी रहती है, इससे भगवान धन्वंतरी भी खुश रहते हैं, सदा कृपा बनी रहती है। अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के जातक चांदी का श्री यंत्र धनतेरस के दिन ले सकते हैं। इस दिन कर्क राशि के जातक श्री यंत्र के साथ ही किसी और भी सामान की खरीदारी कर सकते हैं, या उनके लिए शुभ होगा। कहा जाता है कि इस राशि के जातकों की तिजोरी कभी खाली नहीं रहती है, आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए सोना खरीदना काफी शुभ होने वाला है। आप धनतेरस के दिन सोने के सिक्के, सोने के गहने और सोने के बर्तन खरीद सकते हैं, यह आपके लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन आप बर्तन के साथ ही किताब की भी खरीदारी कर सकते हैं। यह साल आपके लिए पैसे के मामले में काफी शुभ रहने वाला है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातक कांसे या हाथी दांत से बनी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं, यह आपके लिए काफी शुभ होने वाला है। इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके पास धन लक्ष्मी की वृद्धि होगी, साथ ही आप अगर पैसे का निवेश करते हैं तो इससे अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। अब हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के जातक इस धनतेरस सौंदर्य से संबंधित वस्तुएं खरीदें। तुला राशि के जातक धनतेरस के दिन इत्र, सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। चांदी से बना आभूषण या चांदी के सिक्के जरूर खरीदें। इससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। खरीदारी के लिए आज का आपके लिए काफी अहम होने वाला है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों को धनतेरस के दिन सोने के गहने और सिक्के या फिर तांबे के बर्तन खरीदना चाहिए। इस दिन इन राशि के जातकों को पीतल की भी खरीदारी करनी चाहिए। इस दिन अगर वृश्चिक राशि के जातक पीतल की वस्तु की खरीद करते हैं तो उनके यहाँ धन की अपार वृद्धि होने की संभावना है। अब हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातक धनतेरस के दिन आभूषण या फिर वाहन की खरीद कर सकते हैं। बता दें कि चांदी धनु राशि वालों के लिए शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन धनु राशि के जातक चांदी के आभूषण के साथ ही बर्तन, चांदी का सिक्का और वाहन खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं के खरीदने से घर में समृद्धि होगी।
अब हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए धनतेरस काफी शुभ होने वाला है। इस दिन वाहन और सजावट की चीजें खरीदना आपके लिए शुभ होगा। आप चांदी और स्टील के बर्तन खरीद सकते हैं, मगर यह भी ध्यान रखना है कि यदि आप वाहन की खरीद कर रहे हैं तो कोई बड़ा पेमेंट करना शुभ नहीं माना जाता है। इस हिसाब से आपके लिए यह शुभ होगा। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, ऐसे में आपके लिए चांदी और स्टील के बर्तन की खरीदारी करना शुभ और अत्यधिक फलदायी होगा। कहा जाता है कि इस दिन आप बैंकों में पैसे जमा करवा सकते हैं। कहा जाता है कि यह काम करवाने से भगवान कुबेर की कृपा बरसती है। अब हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों का स्वामी ग्रहों के गुरु यानी कि शुक्र है। धनतेरस के दिन मीन राशि के जातकों को धनतेरस वाले दिन चांदी का बर्तन और आभूषण खरीदने चाहिए। कहा जाता है कि चांदी मीन राशि वालों के लिए काफी शुभ होता है। कहा तो यह भी जाता है कि धनतेरस के दिन चांदी के आभूषण और चांदी के सिक्के खरीदना काफी शुभ होता है और साथ ही कुबेर देवता की कृपा बनी भी रहती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।